Hey guys, welcome to my channel. It's a new day and we are about to go for a meeting. It's an important meeting regarding a couple of projects and we are dressing up. To mujhe mere channel pe kuch log ne bola ki aap kyun hoodies pehen rahe ho. Let me tell you guys one thing. Hoodies are my go-to outfit when it comes to comfort and chilling. तो कॉटन की पतली पतली हुडीज है यार, मोटी मोटी हुडीज नहीं है और बहुत कंफर्टेबल लगती है. ड्रेसेस आई एम नॉट रियली कीन ऑन वेयरिंग दीज डेज बट विल थिंक अबाउट इट. तो जिस कल भी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स थी, आज भी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं. देयर इज अ इवेंट कमिंग इन मे, इट्स प्रोबेबली ऑन 5th of May और मे बी डेट्स पोस्टपोन या प्रीपोन हो. एंड इट्स एन इवेंट इन पुणे. पुणेकर कसं काय, पुणेकर कसे आहेत सगळे. तो द इव्हेंट विल बी इन पुणे अँड इट्स इव्हेंट बेस्ड ऑन मेकअप. सो इट्स ऍक्च्युली अन इव्हेंट बेस्ड ऑन मेकअप अँड आय विल बी सेलिब्रिटी गेस्ट अँड द विनर ऑफ द कॉम्पिटिशन. पुणेचे जेवढे पण मेकअप आर्टिस्ट आहेत, पुणेचे सारे मेकअप आर्टिस्ट तिथे येणार आहेत आणि कॉम्पिटिशन होणार आहे. आणि त्यांची जे चीफ गेस्ट किंवा जैसे की उनका जो मेन सेलिब्रिटी गेस्ट है वो मैं हूँ, तो आई विल बी डिसाइडिंग हु विन्स द कॉम्पिटिशन अँड दे विल हैव अ चान्स. उनको एक मौका मिलेगा मुझ पर मेकअप करने का एंड टू ग्रूम मी. सो दिस इज समथिंग दैट इज कमिंग ऑन एंड इट्स इन द मंथ ऑफ मे. तो पुणेकर, पुणेची प्रख्यात अप्रतिम ऑडियन्स आणि क्राउड, आर यू गाईज रेडी फॉर दिस? बिकॉज आय एम ऑलरेडी रेडी. और बहुत कुछ प्लॅनअप हो रहा है टू डू थिंग्स इन पुणे. महाराष्ट्राची मुलगी, काम करेंगे तो पुणे में करेंगे, है की नाही? सो इन द मंथ ऑफ मे पुणे आय एम कमिंग. ओके, सो हम मीटिंग से जाके आ चुके हैं और काफी इंटरेस्टिंग मीटिंग थी. तो हो सकता है कि हमारा जो इवेंट है पुणे में वो पोस्टपोन हो जाए, क्योंकि मे मंथ जो है वो वेडिंग्स का सीज़न है, इसीलिए सारी वेडिंग्स हो रही हैं और इस वजह से सारे मेकअप आर्टिस्ट ऑक्यूपाइड है, तो इवेंट थोड़ा पोस्टपोन हो रहा है. तो दैट इज़ द न्यूज़ आई गॉट. बट बहुत हाई चांसेस है कि हम एक मराठी म्यूज़िक वीडियो करने वाले हैं एंड आई एम सो थ्रिल्ड एंड हैप्पी, क्योंकि मैं हमेशा से महाराष्ट्रन यू नो कल्चर और आर्ट फॉर्म में कुछ परफॉर्म करना चाहती थी, कुछ अच्छा करना चाहती थी. तो आई वुड लव 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 टू डू मराठी म्यूजिक वीडियोस. तो देयर इज अ वेरी हाई चांस. सो दिस इज हाउ द मीटिंग कंक्लूडेड एंड आई होप यू गाइस आर एक्साइटेड. वंदना जी, कैसा रहा आपका दिन आज? लंच सीन्स? डिनर, वो भी अर्ली. आप खुद खाना खाते हैं? खुद खाना खा रहे हैं आप? हम खिला दे तो बताओ, खिलाए? ग्रेट, वंडरफुल. वंदना जितना इंडिपेंडेंट मैंने दुनिया में किसी को नहीं देखा. और मेरे लाख मना करने के बावजूद कोई बहुत ही ज्यादा धीट जानवर, पगलू जानवर खिड़की पे बैठा है और वहाँ से हिलने का नाम नहीं ले रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसको कैसे हटाऊँ वहाँ से. ओ हो, उसको पता चल गया उसके बारे में बातचीत हो रही है, बातचीत हो रही है. क्रीच क्रीच. और कौन से काम है वंदना जी जो आप पैरों से कर सकते हो? मैं लिख सकती हूं, वाओ. ड्राइंग कर सकती हूं. ओके, स्वेटर निटिंग कर सकती हूं. ओहो, और और खाना खा सकती हूँ, ब्रश कर सकती हूँ. ये तो सारे काम हो गए. फैंटास्टिक, फैंटास्टिक. बस इतना, ये तो इतना तो मैं खुद से करती हूँ, लेग से. ये तो गजब टैलेंट है वंदना जी, आपने छुपाए रखा था हमसे. ये तो पता है, छुपाए कहाँ रहता है? दुनिया को नहीं पता ना आप कितने टैलेंटेड हो. और लोग अफसोस करते हैं, छोटी मोटी चीज़ों पे अफसोस करते हैं, बट किसी को समझ नहीं आता है कि आपसे कितना इंस्पायर होना चाहिए, है कि नहीं?